हरियाणा लोकसभा चुनावों में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो ऐसे में सभी पार्टियां चुनावों की तैयारी में जुट गई। साथ ही समीकरणों के जरिए अपनी जमीन मजबूत करने की भी कवायद जारी है। आपको बता दें, अकाली दल ने भी हरियाणा की सियासत में अपनी जमीन मजबूत करने लेकिन ना उसे उनकी कोशिश तो करी थी, लेकिन फिलहाल उनके हाथ मायूसी लगी है। हरियाणा में अकेले रण में उतरेगी बीजेपी। हरियाणा में बीजेपी बोले एकला चलो रे। बीजेपी की अकाली को ना बनने से पहले ही टूटा गठबंधन। अकालियों की उम्मीदों पर फिरा पानी। लोकसभा चुनावों के बाद अब हरियाणा में विधानसभा चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सभी पार्टियां बैठकों और सम्मेलनों के जरिए कार्यकर्ताओं को रण में उतारने के लिए सैनिक की तरह तैयार कर रही हैं। जोड़ तोड़ के जरिए सभी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि 10 लोकसभा सीटों पर जीत के बाद अब बीजेपी विधानसभा चुनावों में 75 प्लस का टारगेट लेकर चल रही है। यही वजह है कि अब बीजेपी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। दरअसल बीजेपी ने अकाली दल से गठबंधन की संभावनाओं को नकार दिया है। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी अब किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इससे पहले चर्चाएं थीं कि हरियाणा में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने गठबंधन की बातचीत पर विराम लगा दिया। सूत्र बताते हैं कि रोहतक प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और तीनों महामंत्रियों के साथ बैठक में साफ तौर पर कह दिया था कि हम सिख समुदाय को पूरा मान सम्मान दे रहे हैं और देते रहेंगे, लेकिन किसी भी दल से समझौता नहीं करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा की राजनीति में अकाली दल हमेशा इंडियन नेशनल लोक दल का साथी रहा है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में अकाली दल ने 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का समर्थन करते हुए विधानसभा चुनावों में गठबंधन के संकेत देने के प्रयास किए थे। हालांकि अकाली दल के नेताओं की गठबंधन संबंधी एकतरफा सोच का कभी बीजेपी ने समर्थन नहीं किया। अकाली दल के नेता ही गठबंधन की एकतरफा चर्चा करते रहे हैं। ऐसा जाना जाता है कि पंजाब में सबसे बड़ी नंबर एक पार्टी के तौर पर पहचान है, और दूसरे नंबर पे अगर कहीं श्रोमणी अकाली दल की शक्ति है तो हरियाणा में है, क्योंकि हरियाणा पंजाब इकट्ठे होते थे पहले भी। जब से अकाली दल की बनतर हुई है, बुनियाद बनी है, उस समय से लेकर अकाली दल का जो पहचान है इस क्षेत्र में रही है। इस सीटों पर आप अपनी दावेदारी मान रहे हैं कि मैं वहाँ पे जो है अकाली दल अच्छी भूमिका निभा सकती है। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी जो है अकेले कह रही है कि 75 सीट जो है हम इस विधानसभा चुनाव में जीतने वाले, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें वो जीती आई है, उसमें से 75 विधानसभा सीटें, तो 15 जो है रह जाती हैं अब सीटें, और आप 30 सीटों की मांग करते हैं। और अगर देखिए, मैंने कहा है 30 सीटों पे हम जीतने और जिताने की व्यवस्था है, 30 सीटों का हम क्लेम नहीं करते, 30 सीटों के हम कहते हैं कि हम जीतने और जिताने भी पोजीशन में हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में अकाली दल के इनेलो से गठबंधन टूटने का मुख्य कारण SYL नहल निर्माण का मुद्दा रहा। इनेलो ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया हुआ है और अकाली दल इस पर पंजाब के हितों की ही रक्षा करता है। यही एक बड़ा कारण है कि बीजेपी भी अकाली दल से कोई समझौता नहीं करना चाहती, क्योंकि अकाली दल समझौते की वजह से बीजेपी की 30 सीटों पर असर पड़ सकता है। असल में 30 सीटें वो हैं जिनमें सिंचाई के पानी की कमी रहती है, तो ऐसे में बीजेपी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे किसी भी तरह का नुकसान पेश आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।